हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अवेयरनेस। आज के इस टॉपिक में हम एचटीएमएल की मार्क्यू टैग के बारे में बताएंगे। मार्क्यू टैग आर यूज फॉर डिस्प्ले द मूविंग कंटेंट ऑन द वेब ब्राउजर। मार्क्यू टैग आर यूज फॉर डिस्प्ले द मूविंग कंटेंट ऑन द वेब ब्राउजर। मार्क्यू टैग हम यूज करते हैं डिस्प्ले द मूविंग कंटेंट ऑन द वेब ब्राउजर, यानी जो वेब ब्राउजर पे हम कोई भी कंटेंट, यानी कंटेंट हो या इमेज हो, हम उसको मूव करवाते हैं वेब ब्राउज़र पे, उस समय हम मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वेब पेज में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, कोई भी इमेज लिखेंगे, कोई भी कंटेंट्स लिखेंगे, उसको यानी वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करते हैं एक मूविंग फॉर्म में, उस समय हम मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। मार्क्यू टैग की बहुत सारी यानी एट्रीब्यूट्स है। पहला यानी डायरेक्शंस, स्क्रॉल अमाउंट, बिहेवियर और भी बहुत सारी यानी एट्रीब्यूट्स है। हम यहाँ पे तीन ही डिफाइन करेंगे। डायरेक्शंस टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस ऑफ मूविंग कंटेंट लाइक लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। डायरेक्शंस यानी स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करती है उस इमेज या कंटेंट की, जो कंटेंट को जब हम मूव करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, अप करना है या डाउन करते हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कंटेंट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं मार्क्यू में। स्क्रॉल अमाउंट टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ कंटेंट। कंटेंट का जो स्पीड यानी अप टू डाउन यानी कितना स्पीड रखना है, उसको मेंशन करने के लिए हम स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करते हैं। बिहेवियर भी एक एट्रीब्यूट्स है मार्क्यू की, जो स्टाइल ऑफ मूवमेंट का जो स्टाइल बताता है। फॉर एग्जांपल, उसकी भी बिहेवियर का भी अपना यानी एट्रीब्यूट्स है। स्क्रॉल है, अल्टरनेट है, स्लैट है। स्क्रॉल यानी डिफॉल्ट रहेगी, जब हम ऊपर जो डायरेक्शंस में हम लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट रखा है या राइट रखा है, अप रखा है, डाउन रखे, जो भी हमने रखा है वही रहेंगे स्क्रॉल में, यानी डिफॉल्ट रहेंगे। अल्टरनेट में क्या होगा, अगर हम लेफ़्ट टू राइट होगा तो अल्टरनेट होगा, एक के बाद एक ऐसे आएंगे। स्लैट में जब हमने लेफ़्ट रखा है तो लेफ़्ट से राइट यानी मूव करेंगे, फिर राइट पे जाके वहाँ पे रुकेंगे। यानी ये है इसका बिहेवियर का एट्रीब्यूट। चलो हम इन सब को यानी नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करके हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे हमने पहले बनाया हुआ था, इसको हम मिटाएंगे। यहाँ पे टाइटल में हम मार्क्यू टैग लिखेंगे। चलो हम मार्क्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लिख के हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड, मार्क्यू को हम क्लोज करेंगे। कंट्रोल एस लगा के सेव करेंगे। यहाँ पे रन पे जाके ब्राउजर पे हम लॉन्च करेंगे क्रोम में। देखो हमारा यानी टेक्स्ट यहाँ से आ रही है, हेलो फ्रेंड, यानी ये डिफॉल्ट है। अभी हमने इसमें कोई भी डायरेक्शंस हमने सेट नहीं किया। यहाँ राइट से लेफ्ट आ रही है, इस इट मीन्स यानी ये क्या है, डिफॉल्ट है। चलो हम डायरेक्शन हम सेट करेंगे। इसमें हम राइट लिखेंगे। ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो अब लेफ्ट से यानी कहाँ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। अब मैं इसको अप लिखूंगी, देखते ही क्या होता है। देखो यहाँ से इधर जा रही है। अब डाउन लिखने से ओबियसली नीचे आएंगे। देखो नीचे आ रही है। ये था इसका डायरेक्शंस। अब हम देखेंगे यानी स्क्रॉल अमाउंट राइट रखेंगे हम।
स्क्रोल अमाउंट डिफाइन करने से यानी इसका जो स्पीड यानी टेक्स्ट का जो 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 भी यानी इसका कंटेंट का यानी मूवमेंट्स का जो स्पीड मेंशन होता है स्क्रोल अमाउंट से यानी इसका स्पीड स्पेसिफाई होते हैं। देखो अब ऐसे जा रही है। स्पीड को यानी हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। चलो हम 40 रखेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। देखो अब कितनी जल्दी जा रही है। अब इसके बाद हम बिहेवियर यूज़ करेंगे यानी जो बिहेवियर का भी अलग उसका भी अलग एटीट्यूड है यानी मूवमेंट स्टाइल का जो एटीट्यूड है। सबसे पहले हम बिहेवियर इक्वल टू सबसे पहले हमने क्या बताया था इसमें बिहेवियर में अपना जो तीन एट्रीब्यूट्स है स्क्रोल में डिफॉल्ट ही रहेंगे। रिफ्रेश करती हूँ ब्राउज़र पे जाके, ऐसे ही रहेंगे। जब इसको हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म में करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट से राइट जाके फिर वापस आएंगे लेफ्ट में अल्टरनेट। यहाँ से फिर से वापस आ रही है, यहाँ से वापस जा रही। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या लगाया, अल्टरनेट लगाया। अब हम स्लाइड लगाएंगे। स्लाइड लगने से क्या होगा, बिहेवियर स्लाइड देने से यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ पे जाके रुकेंगे। चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो यहाँ पे रुक गया। इट मीन्स यानी हमने यहाँ पे ये अप्लाई हो गया स्लाइड। अब हम पिक्चर्स यानी इमेज भी हम इस पर ला सकते हैं, इसी को हम कॉपी करेंगे। चलो हम यहाँ पे एक इमेज लाएंगे। src मैंने इसी फोल्डर में यानी इमेज एक वन नेम पे मैंने एक इमेज यानी सेव किया है, इसी का मैं एड्रेस देती हूँ .jpg। चलो देखते हैं इसका। ओह माय गॉड, इमेज नहीं आया, इसने कुछ तो गलत किया मेरे। हाँ अच्छा, इसका फोल्डर का नाम नहीं दिया है मैं, इमेज स्लैश, फिर इसका नेम और वो देना होता है, फॉर्मेट देना होता है जो भी। देखो यहाँ पे आ गया ये। अब मैं इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्यूब पे भी लिख दूंगी। और इसका मैं स्पीड भी थोड़ा कम करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चलेंगे कि हमने ये कैसे किया। दोनों का यानी स्क्रॉल यानी हम यानी वो एक जैसा रखा रखा हुआ है। चलो हम इसका बिहेवियर, इसका स्लाइड रखा है, चलो मैं इसका अल्टरनेटिव रखती हूँ। अल्टरनेट देखो बेबी ऑल्टरनेट रखा है, ऐसे आ रही है, ये यहाँ पे जाके रुकेंगे क्योंकि इसका स्लाइड रखा हुआ है। देखो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को यानी ये मार्क्यू टेक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।